मेंबर थे, तो उस वक्त हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा था कि हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर हमें मिलना चाहिए। उस माइनॉरिटी कैरेक्टर की इतनी बड़ी मांग थी कि जिसको लेकर हमारे यूनियन के लोग जो कि उस वक्त मौजूदा थे, उन लोगों ने यहाँ से बसें ले जाकर वहाँ मांग करने जा रहे थे जंतर मंतर पर कि हमें हमारा हक दिया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि उस वक्त एक दादरी का कांड सामने आया। उस वक्त हमारे जो कार्यकर्मी थे, उस वक्त के जो इस वक्त कुछ होंगे और कुछ नहीं, तो उन लोगों को इतना बुरी तरह मारा गया था, वो फिरका परस्ती के शिकार हुए थे। उस वक्त मैं कैबिनेट मेंबर थी, हमारे यहाँ उस वक्त ये बात आई थी कि यूनियन की जो सीट होती है उस पर लेडीज का आना सही नहीं है, क्योंकि जो उस वक्त लेडीज आई थी और कोई भी लड़की उस वक्त तालिबा आएगी वो फेस नहीं कर पाएगी। लेकिन जब मुझे पता चला मैं अकेली थी, उस यूनियन को की जो डेलीगेशन लेके गए हुए थे उसमें मुश्ताक फिल्लू थे, हमारे बसी भाई को मालूम होगा उस वक्त, और जो हमारे मेरे साथ थे अफसर जी मोहम्मद वो भी गए हुए थे, और एक और हुआ करते थे ऐसे आसिफ शाह वो भी गए हुए थे। उन लोगों में जिसमें अफसर जी मोहम्मद की बहुत पिटाई हुई थी और साथ हमारे जितने लोग थे वो सब छुप गए थे जाकर, बल्कि ऐसे हमारे साथ तो पलंग के नीचे घुस गए डर के मारे और मुश्ताक फिल्लू भी छुप गए। और उसके बाद ये हुआ कि जो अफसरी मेहमान थे वो उनकी इतनी पिटाई हुई थी, इतना खून बह रहा था कि उनको देखने के लिए मिसेस गांधी आई थी। उस वक्त ये जिम्मेदारी थी, मैं क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती थी, मैंने मेरे अंदर जज्बा था कि मैं कुछ काम करूं। बहुत काम तो नहीं करती, एक मामूली सी आपके स्टूडेंट यूनियन की एक कैबिनेट थी, काबीना की मेंबर थी मैं। उस वक्त मैंने मेरे अंदर भी जज्बा आया, मैं सीधी दाढ़ी लेकर डॉक्टर ऑफिस से मैं सीधी दाढ़ी पहुंची, वहां से जितने भी लोग थे उन्हें निकलवा कर लेके आई, यहाँ मेडिकल कॉलेज में दिखाया। और उसके बाद जो एडहॉक बनी उस एडहॉक में यहाँ पर मुझे भी मौका मिला कि मैं कुछ दिन के लिए यहाँ की सदर रही। और जब ये फाइनल इलेक्शन लड़ाए थे उस वक्त, उससे पहले जो यूनियन थी जिन्होंने और उन लोगों को जिन्होंने शपथ दिलाई थी, उसमें इस वक्त हमारे साथ नहीं बल्कि मौजूदा हमारे जो ये है जो फुरकान अहमद साहब है जो अभी मेयर का इलेक्शन जीते हैं, वो भी इलेक्शन मेरे साथ लड़ रहे थे। मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, मेरे अंदर जज्बा था, मैंने कहा कि क्यों मैं इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकती। मैंने वाइस प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दिया और मैंने उनके साथ इलेक्शन लड़ा। लेकिन मेरी बदकिस्मती रही कि मैं इलेक्टेड तो नहीं हो पाई, लेकिन मेरे आगे साबित वाइस प्रेसिडेंट जरूर लग गया। उसके अंदर हसन प्रेसिडेंट थे, एक एस सेक्रेटरी थे और मैं उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट थी। मुझे ये कहने में फख्र हो रहा है कि अलीगढ़ तुझसे सीखा है ये अजमे जिंदगी। और क्यों ना हो जाओ फिदा तुझ पर तेरी परवास पर, क्यों ना हो जाओ फिदा तुझ पर तेरी परवास पर। तो मेरा आज ये टॉपिक है, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मुझे बुलाया, खासतौर से सरवर जुबैरी का, पाक साहब का, मशहूर साहब का, सज्जाद साहब का। और ये टॉपिक जो है ये दिया गया है क्योंकि मैं तो बड़ी हो गई, लेकिन ये है कि यूथ जो है वो अगर चाहे तो एक वो चाहे तो वो बदल सकती है, निजाम को बदल सकती है। और तारीख इस बात की शाहिद है कि जब जब भी कोई वक्त पड़ा है हमारे हिंदुस्तान के खासतौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर उसके अंदर हिस्सा लिया है और इस देश की तकदीर को बदल दिया है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो अलीगढ़ बोलेगा कल पूरा हिंदुस्तान बोलेगा, ये बात हमारे साबिक प्रेसिडेंट डॉक्टर ठाकुर सिंह ने एक मीटिंग में कही। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो बात कही थी आज अगर हम वही देखें, क्योंकि हम इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम इन महाशिक्षक यही नहीं आते, इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मैं एक तहजीब इसी में आते हैं, ये अलीगढ़ एक तहरीक है। मैं सिर्फ दादा ही बोलूंगी क्योंकि सब बोल चुके हैं, खाने का वक्त हो गया है। लेकिन मुझे एक छोटी सी करती हूँ, अगर आप अपनी तालीम हासिल कर रहे हो इस वक्त पढ़ रहे हो तो
ये याद रखना, आप बीजेपी के हो सकते हो, आप कांग्रेस के हो सकते हो, आप समाजवादी के हो सकते हो, आप बहुजन समाज पार्टी के हो सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मफाद से समझौता नहीं करना, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मफाद से जिसने भी समझौता किया है उसको तारीख में सफेद पन्ने से मिटा दिया है। हमने यहाँ पर बाकी को शिक्षित बाशक के लिए भी लिखा है और हमने यहाँ पर जगह जगह का भोसा लेते हुए भी लिखा है। इसलिए बस मेरा यह है कि अगर आपकी तालीम हासिल कर रहे हो तो उसमें किसी से समझौता मत करो। अगर आप यूथ हो, अगर आप तालीम मुकम्मल कर सकते हो तो हर चीज में आगे बढ़ो। जैसे अभी मुदस्सिर ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत अच्छी तरह आपको समझाया था। मैं पूरी तरह से उनकी बात से सहमत हूँ, उनकी बात से पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि उन्होंने जो भी कहा वो अच्छा कहा। बस एक बात है, किसी से डर के नहीं, लेकिन अगर उसूलों पर अगर रचाए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर अगर रचाए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और जिंदा नजर आने का ये नहीं है कि आप कोई बिना वजह की लड़ाई लड़े। आप उसूल की लड़ाई लड़िए, आपके ऊपर आ जाती है तो आप उस पर बोलिए। आपकी एजुकेशन की, आपकी और ज्यादा आपकी नौकरियों की, आपकी पढ़ाई में कोई परेशानी आती है तो आप उस पर बात करिए। गरीबों की मदद करिए, अपने बराबर वाले तुलबा की मदद करिए, और यूथ है आगे बढ़िए। मेरी दुआ है कि आप लोग आगे बढ़े हिम्मत के साथ। और कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, और सदी हो रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा अलीगढ़ मुस्लिम की जिंदाबाद, हमारा इतिहास फैजाबाद।